हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तुबा दुरानी की रसोई में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आई होप आपको मेरी कुकिंग टिप्स पसंद आई होगी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर का सालन, जिसके लिए मैंने मटर लिए। ये फ्रोज़न मटर है, आप चाहे तो वहाँ खुले जो भी आपको सूटेबल है वो मटर लीजिएगा। मैंने ये एक कप मटर लिए हैं। ये मैंने चार दरमियाने आलू लेके काटे हैं, छोटे वाले आलू है वो काटे हैं, दो टमाटर काटे हैं। इसमें चाहिए होगा एक अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, इसमें डालेंगे हम कलौंजी, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक हसबे जायका, हल्दी, काली मिर्च और पिसी हुई प्याज। ये प्याज वही है जो मैंने आपको पीस कर तरीका बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आलू मटर। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये दो चम्मच खाने का तेल लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। कि हम इसके अंदर आलू और मटर को फ्राई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं डालने जा रही हूँ आलू मटर दोनों साथ ही में फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो साथ करें या अलग करें, जैसे आपको मर्जी, लेकिन साथ करेंगे तो काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा इस तरह जल्दी। बस एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम करने के लिए थोड़ी मेहनत तो पड़ती ही है। ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि कोई काम में इतनी मेहनत ना होती है। हम छोटे से छोटा काम करते हैं, मेहनत ही होती है। जैसे अभी मैंने एक कुकिंग चीज भी बताई, प्याज काटना, थोड़ा इसके लिए वक्त, प्याज काटना, पीसना, इसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। लेकिन हर चीज़ के लिए वक्त इंसान को निकालना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि वो काम ही क्या जिसमें मेहनत ना हो, ठीक है। हम जो भी काम अगर मेहनत से करते हैं तो, और कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, और हमारा दिल और बढ़ता है क्योंकि उस काम में हमारी मेहनत होती है। और इसी तरह हर काम में, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, मेरा ख्याल तो ये कि हर काम में मेहनत की और वक्त की ज़रूरत होती है। इसलिए वक्त वाले ज़रूरी है कि मेहनत में असमत है। तो ये मुझे ये बताना था, इसलिए छोटी सी वालिदारी जो है मेहनत में अजमत है, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया। लेकिन ये रियलिटी है कि अच्छी सही बात है कि हम जब तक किसी काम में मेहनत या दिल नहीं लगाते वो काम सक्सेस नहीं होता, ठीक है। ये हम अभी इसको फ्राई कर रहे हैं आलू मटर को, ये फ्राई हो जाएंगे फिर इसके आगे करके आपको बताती हूँ इसके आगे हमें क्या करना। देखिए व्यूअर्स, ये हमने इस तरह फ्राई किया, ना ज़्यादा इसको ब्राउन किया है और ना ज़्यादा इसको कच्चा रखा है। ये आलू मटर मैंने इस तरह फ्राई किए हैं। अब इसका मैं चूल्हा आस्ते कर कर ये आलू मटर को मैं निकाल लेती हूँ। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, उससे बरकत भी होती है और चीज़ में सक्सेस भी मिलता है। चलिए मैं ये निकाल रही हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये आलू मटर निकाल लिए हैं। अब हम अपना दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ोर से पढ़े कि किसी को मतलब दिखाना है या कुछ। ये तो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपको अपने लिए करना है, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा मेरी बातों का। मैंने इसमें कलौंजी डाली है। मैंने कलौंजी ये वाला हाफ़ स्पून लिया था, टी स्पून जो होता है वो हाफ़ लिया था और वो डाला है। अब इसमें ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, ये देखिए।
देखिए अब ये थोड़ा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास ये पिसी हुई प्याज है, जो हमने ये टू टेबल स्पून लिए है, ठीक है, वो मैं इसमें डालने जा रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है जो हमने पीसी थी, ठीक है। थोड़ा चूल्हा मैंने आस्ते किया है और अब मैं चूल्हा वापस तेज़ कर रही हूँ और आपको थोड़ा बताती हूँ आगे का प्रोसीजर क्या करना है। ये देखिए थोड़ी सी प्याज को लाल होने दिया है मैंने, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ टमाटर जो मैंने काटे थे, और इसका पानी जलाऊंगी, ठीक है। तो हम इसका को थोड़ा पकाएंगे, मैंने चूल्हा तेज किया है और ये मैं इसको ढक रही हूँ। देखिए भी बस टमाटर अच्छे खासे गल गए हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डालती हूँ। देखिए इसको मैंने अदरक लहसुन का लेकर डाल दिया है इसके अंदर और इसको थोड़ा भूनूंगी। अब व्यूअर्स, मैं इसमें टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ, ये वाला मेरा, मैंने ये हल्दी डाल दी। लाल मिर्च डाल रही हूँ भर के, ठीक है। अब हम इसको भूनेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने अच्छा खासा इसे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ नमक। नमक का मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि आप अपने हिसाब से ज़रूरत ही डालिए का नमक, क्योंकि कोई नमक ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, इस तरह लाल मिर्च में भी होता है और चीनी में भी होता है। और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी पीसी हुई। काली मिर्च से खाना हजम होता है, इसलिए मैं थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर यूज़ करती हूँ खाना खाने के लिए। देखिए व्यूअर्स, ये मसाला मेरा अच्छा खासा भून गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आलू मटर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे ये वो डालूँ। अब इसको खूब मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा, यानी भूनेंगे, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा आलू मटर मैंने अच्छा खासा इसको भून लिया है। इसके अंदर मैं ये इतना पानी डाल रही हूँ, बल्कि आपको मैं बता देती हूँ जो चम्मच में इतना ही इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर रही, यही जो है हाफ कप ये यूज़ कर रही हूँ पानी का, ये मैंने डाल दिया है क्योंकि अब मुझे देखना है कि मेरे आलू भी सही गले हुए है कि नहीं, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर छोड़ रहे हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ गार्निश करके। चलिए अभी बस चेक करते हैं हम अपना सालन। वाओ, मेरे देखिए आलू भी गले हुए हैं और मटर तो ऑलरेडी होते ही रहते हैं कि वो फौरन गल जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, चूल्हा बंद करती हूँ। मैं हरे धनिया से इसे गार्निश कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा मटर आलू बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।